हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट 17 सितंबर घोषित कर दिया गया है, जो ऑफिशियली बताया गया है। मैं आपको बताने आया हूं कि आरआरबी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह बता दिया है कि एग्ज़ाम सिलेबस क्या है। कुछ एग्ज़ाम सिलेबस में चेंज किया गया है, क्या चेंज किया गया, क्या नहीं चेंज किया गया, मैं आपको वो बताने आया हूँ। तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं आरआरबी कोलकाता के ट्विटर अकाउंट के थ्रू बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं, ये रहा आरआरबी कोलकाता का ट्विटर अकाउंट, जहाँ पर ये पब्लिश किया गया है। तो ये है जो एग्ज़ाम 17 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, उससे 10 दिन पहले आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कहाँ है, किस शिफ्ट पे है, कितने तारीख को है। और 4 दिन पहले आप अपना कॉल लेटर, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये जो बताने आया हूँ वो रहा ये मेन बात है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या पब्लिश किया गया। डियर कैंडिडेट्स, अपीयरिंग ऑफ द ग्रुप डी, ऑल आर एडवाइज टू द रीड द डिटेल्स नोटिफिकेशन गिव इन द वेबसाइट। जो ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट में आपको अपना, और यहाँ पर जो अपडेट किया गया है, यहाँ देखते हैं एग्जाम टाइम टेबल एंड सिलेबस। ये रहा सिलेबस एंड टाइम। तो इस लिंक को क्लिक करते ही आपको पीडीएफ फाइल मिलेगा। उस पीडीएफ को फाइल को डाउनलोड करना होगा, वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन बताया हुआ है। उस पीडीएफ के 14.1 पेज में जाना होगा, वहाँ पर आपको बताया हुआ सिलेबस। चलिए, मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ हूँ, वहाँ चलता हूँ चीज़ें। तो आप देख सकते हैं ये रहा उसका पीडीएफ फाइल, जहाँ पर लिखा हुआ 7 तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। चलिए, इस पीडीएफ फाइल के मैं 14.1 पेज में आता हूँ। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 14.1 पेज, जहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका टोटल ड्यूरेशन कितना होगा, 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। क्वेश्चन टाइप सिलेबस, किस सिलेबस का बताया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पर चलिए वन बाय वन देख सकते हैं। और दोस्तों, इस पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर डाला रहेगा, डायरेक्ट आप वहाँ क्लिक कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते भी हैं। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं सिलेबस क्या है। ये रहा मैथमेटिक्स का सिलेबस। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हैं आप। ये रहा जनरल साइंस का सिलेबस देख सकते हैं। ये रहा जनरल साइंस का सिलेबस एंड जनरल एवरेज एंड करंट अफेयर, ये सब सिलेबस यहाँ रहा। अब ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ से PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। आप देख सकते हैं मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए बताया हुआ है। ये सब था दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताइएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और दोस्तों, इस तरह का वीडियो अपडेट होने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाएगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल का जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी।